अच्छा आदमी का पहला मजमू कलाम छप कर आ गया है आज का इलाका। कहा जाता है कि किसी अफसाने का उन्वान, नॉवेल का उन्वान या किसी किताब का नाम अगर अच्छा हो, अनोखा हो, नया हो, तो ये उसकी आधी कामयाबी। तो जैसा कि और लोगों ने भी कहा, इस किताब का उन्वान चौंकाने वाला है, खूबसूरत है, पुरकशिश है। अब यहां पर जैसा कि और लोगों ने भी कहा, मैं भी वही कहना चाहूंगा कि इश्क, इश्क क्या है? इश्क आदमी को अपने आप से भी हो सकता है, अपने घर वालों से, माँ बाप से, भाई बहनों से, शौहर से, बच्चों से, अपनी चीजों से, अपने मकान से, दौलत से, दुनिया से, दुनिया की सारी चीजों से शुरू होता है। और एक इश्क अतिथि होता है, खुदा से, खुदा हमेशा रहने वाला, हमेशा से, हमेशा से। मजाक मैंने झूठा, ये सारी चीजें जो दुनिया में देखी जा रही है, ये वक्ती है, खत्म हो जाएगी। इसको कहा जाता है कि दुनिया की जितनी चीजें हैं, तो छुट्टी है, खत्म हो जाए, मजाक ही कहा। अरे खास बात मेरे बहन में आई कि मुझे इस किताब को देखते हुए तकलीफ किया था। मीर तकी मीर को मीरे कारवा कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा शायर। उन्होंने कहा, लिखा है किताब में, ये मेरे वालिद ने उससे कहा कि बेटा इश्क या तू, क्योंकि हिस्ट्री का इस कारखाने पर तकल्लुक है। ये कारखाना कौन नजर आती है हर सूरते ही सूरते मुझको, कोई आईना खाना कारखाना है। ये जो दुनिया है, ये आईना खाना है, चेहरे नजर आ रहे हैं, खुदा जी का, खुदा का बनाया हुआ कारखाना। और इस कारखाने में